He was always young in his personality, in his heart, you know, rather than his age. रोहित शेट्टी ने सलमान खान की सिकंदर मूवी को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये सिकंदर ऐसी पहली मूवी होने जा रही है जिसको बुक माई शो पे इतना ज्यादा अटेंशन मिल चुका है। और रोहित शेट्टी ने ये भी कहा है कि हमने भी सलमान खान को एक मूवी के अंदर ले लिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो की आखिर तक, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंदर लाजमी जुड़े रहना। रोहित शेट्टी ने कहा है कि एक बार फिर से भाईजान अपने पूरे एक्शनदार सीन्स के साथ ईद के मौके पर लौट रहे हैं। रोहित शेट्टी ने कहा है कि हर बार सलमान खान अपनी ईद के मौके पर कोई ना कोई जरूर रिलीज करते हैं, मगर इस बार जो ईद के मौके पर सलमान खान धमाका करने जा रहे हैं उसका अंदाजा शायद बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड को भी नहीं होगा, क्योंकि इस मूवी के जो एक्शन है वो इतने ताबड़तोड़ हैं जो भाई बॉक्स ऑफिस को हर लिहाज से हिला सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस मूवी का जो बजट है वो भी 600 से 700 करोड़ बताया जा रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए। रोहित शेट्टी ने कहा कि इस मूवी के सामने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। और जब भाईजान अपनी एक्शनदार मूवीज के साथ वापसी कम्पेयर करते हैं बॉक्स ऑफिस के अंदर, तो भाई आपको पता ही होगा कितना ज्यादा दबाई मचाते हैं भाईजान, वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। जब शाहरुख खान के साथ सलमान खान पठान मूवी के अंदर दिखे तो इन्होंने कितना बड़ा हल्ला मचाया था बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ सलमान खान का कैमियो था। अगर भाई सलमान खान अपने पूरी की पूरी एक्शनदारी मूवी को रिलीज कर दे तो भाई कैसा होगा बॉक्स ऑफिस का हाल, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। रोहित शेट्टी ने कह दिया है कि सलमान खान यानी कि जुलबुल पांडे भैया को भी हमने हमारी सिंघम अगेन मूवी ले लिया है। कहा जा रहा है कि रोहित शेट्टी ने सलमान खान यानी कि जुलबुल पांडे भैया को सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैमियो करने के लिए साइन कर दिया है, और सलमान खान ने भी सिंघम अगेन को ऑफर ले लिया है। और कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर जल्दी हमें जुलबुल पांडे भैया दिख सकते हैं। रोहित शेट्टी ने कहा है कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर जो जुलबुल पांडे भैया का रोल होगा वो सबसे यूनिक होगा, क्योंकि इसके अंदर सलमान खान का एक अच्छा सा कैमियो होने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी सिंघम अगेन का इंतजार है तो कमेंट लाजमी करना, अगर आपको पता था तो भी कमेंट लाजमी करना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कहा जा रहा है कि सलमान खान की सिकंदर मूवी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी जिसको तोड़ना नामुमकिन है। रोहित शेट्टी ने भी ये दावा किया है कि ये मूवी कुछ ना कुछ जरूर उखाड़ के जाएगी। और आप भी अगर सलमान भाव के चाहत वाले फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करते जाना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।